स्टूडेंट वेलकम बैक आज के वीडियो में जो है हम एन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एन यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और उसकी सारी लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो एन में उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो कौन सी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कौन, कितना एस मिल सकता है तो आज का पूरा वीडियो हमारा जो होगा एन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से रिलेटेड होगा तो आप जैसे ही एन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और स्कॉलरशिप की लिस्ट पे आ जाएंगे तो आपको ये चीज़ शो हो जाएगी यहाँ पे आपको दो कैटेगरी के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है एक होती है मेरिट मेरिट बेसिस पे जो होती है और दूसरी होती है नीड बेस पे नीड बेस पे आपके जो है वो फिनंशियल कंडीशन देखी जाती है कि आप की जो फिनंनशियल कंडीशन है आप बिलो द एवरेज हो एवरेज हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो तो उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है दूसरी होती है मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो आपकी मार्क्स देख के आपको दी जाती है चाहे वो आप जैसे एन टेस्ट पास करके जाते हो तो एन टेस्ट के जो है मार्क्स के स्कोर होता है वो उसको देख के आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप दी जाती है और तीसरी स्कॉलरशिप होती है जक़ात या जो नान मुस्लिम के लिए होती है वो स्कॉलरशिप होती है तो ये तीन कैटेगरी की स्कॉलरशिप आपको एन यूनिवर्सिटी में दी जाती है तो आज हम इसके जो हैं लिस्ट के बारे में देखेंगे कि वेरियस स्कॉलरशिप कौन थी कौन सी एन यूनिवर्सिटी में तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है के लिए हेयर करना है तो आपको स्कॉलरशिप की लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें सारी जो एन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको आ, लिस्ट में पता चल जाएंगी कौन सी है और उसके बाद हम देखेंगे आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो लिस्ट ऑफ़ स्कॉलरशिप सबसे पहले स्कॉलरशिप होते हैं एन स्कॉलरशिप उसके बाद मेमोरियल इस्कॉलरशिप एशर अब्दुल वज्जा वजात स्कॉलरशिप फॉर जक़ुत फ़ंड ये जकवात के लिए होती है और उसके बाद मैं अब आपको ये सारी देखें स्कॉलरशिप की लिस्ट आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको जो है ना वन ऑफ़ द इम्पोर्टेंट जो स्कॉलरशिप है जो ज़्यादा आपको इस्टीफ देती है और हर स्टूडेंट को मिल सकती है उसके बारे में आपको बताता हूँ उसमें सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आती है वो है एच ई सी की एच ई सी नीट बेस्ट एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आती है उसमें आपको जो है एक लाख से एक लाख दस हज़ार तक आपको अः पर से, से स्टिफेंड दिया जाता है जिसमें आप अपनी सेमेस्टर फीस भी पे कर सकते हो और अदर जो आपके रिक्वायरमेंट है सेमेस्टर पे तो ये जो एच की स्कॉलरशिप uh, है ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप होती है हर यूनिवर्सिटी में और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल होती है आपको सिंपली बस अपनी डिटेल शो करवानी होती है और अपनी फीमेल फैमिली uh, की डिटेल्स बतानी होती है उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है जिसमें बिजली के बिल गैस के बिल यूटिलिटी बिल और फादर की सैलरी स्लिप वगैरह ये ही रिक्वायरमेंट होती है और ईज़ीली जो भी अप्लाई करता है वो उसको आराम से ये मिल जाती है उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बड़ी स्कॉलरशिप की तो वो है वो है एसास नीड बेस स्कॉलरशिप एहसास एक फेडरल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप होती है जो हर स्टूडेंट को मोस्टली मिलती है और इसकी जो फंडिंग होती है वो एक स्टूडेंट को आलमोस्ट नाइन्टी थाउजेंड तक मिल जाती है आराम से और नाइन्टी थाउजेंड जो है पर सेमेस्टर आपको अलॉट होती है और उसमें आपको जो है जो रिक्वायरमेंट पूछी जाती है वो सिम एच ई सी जो की जो होती है वही होती है और इसके जो आ, अप्लाई करने का मेथड होता है वो ये होता है कि आपको ऑनलाइन जो है आ, 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 जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है फिर वही फॉर्म जो है आपको प्रिंट करवा के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ आपको एस डब्ल्यू ऑफिस में सबमिट कराना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी में तो ये दो स्कॉलरशिप हो गई अब अब तीसरी स्कॉलरशिप की बात करें तो तीसरी स्कॉलरशिप है यू एस एड बेस स्कॉलरशिप यू एस ए के बेस पर आपको एड मिलता है और उस स्कॉलरशिप जो है वो होती है पर ईयर और उसमें जो है वो आपको मैक्सिमम स्टीफेंट मिला जा, मिल, मिलता है लेकिन वो होती है पर ईयर के इसमें इसमें वन लेख से प्लस आपको जो है जो है स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन वो होते हैं पर ईयर और दूसरी होती है पर सेमेस्टर और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये कम लगभग आप ये सोच सोच लें कि अगर सौ बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ एक या दो को मिलती है मैक्सिमम दो मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप की जो क्राइटेरिया है वो बहुत हाई है लेकिन मैंने जैसे बात की इनकी तो ये स्कॉलरशिप अच्छी सी हो गई है एहसास स्कॉलरशिप हो गई तो इनकी क्राइटेरिया कम है उसके बाद आते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पी ई सी ये हो गई सिक्सटी नंबर पे है जो है और ये हमने डिस्कस किया सिक्सटी वन नंबर पर अंडर ग्रेजुअ एहसास वाली स्कॉलरशिप कर ली है हमने पी एस सी से इस्कालरशिप भी जो है बड़ी स्कॉलरशिप है वो भी आपको आराम से मिल जाती है अगर आप नीडी होते हो और आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है अच्छा होता है तो ये भी आप स्कॉलरशिप आराम से अवेल कर सकते हो और इसकी जो क्राइटेरिया या अप्लाई करने का मेथड है वो भी सिंपली है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो आप फिल ना कर पाओ और हर स्टूडेंट जो है आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है और इसके अलावा काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं देखिए आप यहाँ पे पूरी लिस्ट शो की हुई है उन्होंने जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो तो अभी होता यह है कि आप जैसे एडमिशन अनाउंस करते हैं और जो है पीरियड वाइज ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती है कि जैसे पहले एहसास की आती है फिर एच की आती है फिर यू की आती है फिर पी की आती है फिर अगर आपको एक नहीं मिलती आप दूसरे में अप्लाई करते हो दूसरे में नहीं मिलती आप तीसरे में अप्लाई करते हो तो इतनी सारी स्कॉलरशिप है एक ना एक आपको मिल जाती है है बाकी जो स्कॉलरशिप या नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होती है, उसकी क्राइटेरिया सिंपल है उसके लिए कुछ भी नहीं आपको चाहिए होता है फिर आपको जस्ट एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एलिजिबल होने के लिए और वो स्कॉलरशिप आपको, आपको आराम से मिल जाती है उसके बाद स्टीप स्कॉलरशिप है बतूल ज़रा स्कॉलरशिप है ये सारी स्कॉलरशिप है जो आपको आराम से एन यूनिवर्सिटी में मिल जाती है तो आई होप कि आप सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप है और कैसे अप्लाई करना पड़ता है है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंटेशन है मैंने आपको ब्रीफली जो है सिंपल चीज़ों में आपको बता दिया है कि आप जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अगर कोई भी आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है कांटेक्ट दिया हुआ है और ग्रुप बनाया हुआ है एन टी टेस्ट के प्रपेशन से भी और अपडेट्स के लिए भी आप वो ज्वाइन करें वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो आप जो है स्कॉलरशिप के बारे में सारी गाइडेंस ले सकते हैं अगर स्टिल आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आई होप कि इस वीडियो में आप सारी चीज़ों के बारे में बारे में क्लियर हो गए होंगे स्टिल आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अपना मैं आपको आंसर कर दूंगा सो टिल देन थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे